everyone, have a productive morning and thanks for clicking on this video. It's 6 right now and weather काफ़ी अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यू कैन से नेचुरल हवा चल रही है. सो आई एम हेयर फॉर एक्सरसाइज. आफ्टर 20 to 25 minutes मैं यहाँ पे एक चैप्टर रिवाइज करने वाली हूँ. एज़ यू कैन सी मैं अपना बुक साथ में लेकर आई हूँ एंड ऑल्सो अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर. सो इसे ख़त्म करने के बाद एक्सरसाइज एंड देन आई रिवाइज लिविंग वर्ल्ड. इट्स 8:30 राइट नाउ और अभी मैं जा रही हूँ इस बुक का सेकेंड चैप्टर रिवाइज करने. एंड वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि यह वीडियो किस बारे में है. सो बेसिकली आज का पूरा दिन मैं इस बुक को डेडिकेट करने वाली हूँ. आई नो ये बुक सिर्फ आज में ही नहीं ख़त्म होने वाला है बिकॉज इस बुक में 22 चैप्टर्स हैं. एंड अगर मैं एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रिवाइज करती हूँ, मीन्स एक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसे एक दिन में ख़त्म कर दिया जाए. मतलब 24 आवर्स में तो हो सकता है बट 24 आवर्स पढ़ेगा कौन यार, मतलब मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगी. तो डेफिनेटली मैं आज 14 to 15 आवर्स पढ़ने वाली हूँ. तो जहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा वहाँ तक तो मैं करूँगी, उसके बाद नहीं होता है तो जो चैप्टर बचे रहेंगे वो मैं नेक्स्ट डे भी करूँगी. सो आफ्टर कंप्लीटिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट. एंड आज ब्रेकफास्ट में है दलिया जो कि काफ़ी हेल्दी होता है. आई नो आप सबको पता होगा बट कोई ना, मैंने बता दिया तो एक बार और जान लो. सो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद एंड थोड़ा टाइम इधर उधर करने के बाद आई एम बैक टू स्टडी. और अभी मैं जा रही हूँ प्लांट किंगडम रिवाइज करने. एज़ यू कैन सी मेरी एनसीईआरटी की क्या हालत हो गई है, बट कोई ना, एनसीईआरटी माता को भी पता है कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए उनकी ये हालत हुई है. वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये 22 चैप्टर्स 24 और 26 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे बिकॉज मैं एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कर रही हूँ और लाइन टू लाइन करने में टाइम तो लगेगा. हाँ वो बात अलग होती कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस बुक में वो चीज़ें मैं पढ़ती या फिर मैं शॉर्ट नोट से पढ़ती, तो डेफिनेटली 24 आवर्स में तो अच्छे से कंप्लीट हो जाता क्योंकि उसमें पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं होता, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते वही पढ़ना होता. बट एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ तो उसमें एक एक लाइन पर ध्यान देना ज़रूरी है. और मैं चाहती थी कि एनसीईआरटी को रिवाइज़ अगर कर ही रही हूँ तो मैं प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ अच्छे से करूँ, इवन तक भी करूं. एंड जब एग्ज़ाम में 1 week बचेंगे तो मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लूँगी या फिर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैं कर लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. बट अभी से शॉर्ट नोट से करना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से. सो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ. एंड इफ़ आई टेल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ रखा है दैट आई कांट इवन रिमेंबर. एंड एज़ यू कैन सी अभी मैं एनिमल किंगडम रिवाइज़ कर रही हूँ एंड मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता. आप लोगों में से कितने को ये चैप्टर अच्छा लगता है बताना ज़रूर ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले. एंड ये चैप्टर मुझे अच्छा नहीं लगता सो ये टाइम लेने वाला है. बट देन ऑल्सो अगर मुझे एनसीईआरटी के कोई भी चैप्टर को लाइन टू लाइन रीडिंग करनी हो तो हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी इतनी बार पढ़ने के बाद भी, बिकॉज लाइन टू लाइन रीडिंग करने में टाइम लगता है. एंड एज यू नो कि रीडिंग भी 2 types से होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव. एंड एक्टिव रीडिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. एंड कुछ लोग मेरे से ये बोलते रहते हैं कि मैं एनसीईआरटी की लाइन्स को पढ़ तो लेता हूँ लेकिन वो मेरे दिमाग में सेट नहीं होता है, मतलब पता ही नहीं चलता मैंने पढ़ा क्या. पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी याद नहीं है. सो मे बी वो पैसिवली रीडिंग करते हो. पैसिवली रीडिंग मतलब कि आप एनसीईआरटी की लाइन को तो पढ़ रहे हो लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स को और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को जो वो बोल रही है वो नहीं समझ पा रहे हो, वो अपने दिमाग में नहीं चला रहे हो. और एक्टिव रीडिंग का ये मतलब है कि आप एनसीईआरटी के एक भी लाइन को पढ़ रहे हो ना तो उसका पूरा समझ रहे हो कि मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, तो वो चीज़ें आप समझ रहे हो. एंड जब आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन के कॉन्सेप्ट्स को उसके फैक्ट्स को और ये समझ के पढ़ोगे कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, आपसे कहना क्या चाह रहा है, तो वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक आपके दिमाग में सेट रहेंगी, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी. एंड यू नो व्हाट, स्टार्टिंग में जब मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था ना तो मेरे साथ भी ऐसा होता था. लाइक मैं एनसीईआरटी को पेज पलट पलट के तो पढ़ लेती थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता था. मैं ऐसे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही उस बुक में तो मैं ऐसे ही रट्टा मार मार के पढ़ लेती थी, लेकिन जब मैं ऐसे पढ़ूंगी तो मुझे तो उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेंगे, उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा. जब वो पता ही नहीं चलेगा तो फिर मेरे दिमाग में सेट कहाँ से होगा, फिर मुझे याद कहाँ से होगा. तो मेरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो गलत होंगे. फिर मेरे को ना मेरे ऑफलाइन टीचर्स ने बताया कि बेटा एनसीईआरटी को ऐसे नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी के हर एक छोटी छोटी लाइन में बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं. वो हर एक छोटी लाइन में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल जाते हैं ना कि आपको पता भी नहीं होता. और अभी तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पता है कि एनसीईआरटी की लाइन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं.
एंड मैं पैसिवली रीडिंग करती थी एनसीईआरटी को, तो मेरा बस टाइम पास होता था एनसीईआरटी के साथ और कुछ नहीं होता था, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था ना कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। एंड देन मेरे को मेरे टीचर्स ने बताया कि एक्टिव रीडिंग कैसे की जाती है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तभी आपको एनसीईआरटी का बेनिफिट मिलेगा। एंड मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को भी किसी से ये चीज़ें पता चली, मेरे को मेरे गुरुओं से ये चीज़ें पता चली, सो मैं आपको यहाँ पे आदान प्रदान कर रही हूँ, मीन्स बता रही हूँ। एंड मैंने इसलिए भी बताया बिकॉज़ काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि दी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, सो मुझे लगा कि मुझे जो पता है वो अगर वो आप लोगों को हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली मुझे बताना चाहिए, सो इसलिए मैंने बताया। एंड तब का बना हुआ कॉफ़ी मैं अभी पीने जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे अभी थोड़े टाइम तक और एक्टिव रहना है। एंड आई कैन से कि मुझे इसकी आदत हो गई है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट दिन भर में तो 3 से 4 बारी कॉफ़ी हो ही जाती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको कैसे कम करूँ। मैंने बहुत ट्राई भी करा बट नहीं होता है। एंड एज़ यू नो कि कॉफ़ी हमारे हेल्थ के लिए कितना बुरा होता है, सो इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट टू गेट रिड ऑफ कॉफ़ी एडिक्शन देन प्लीज़ टेल मी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड अभी मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सो मैं सोने जा रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। सो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। It's 9:35 right now and now I am going to revise this unit. मैं प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज करने वाली थी बट फिर मैंने सोचा कि पहले इसे कर लेते हैं उसके बाद वो करते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर मैं वीडियो में करती हूँ, तो उनमें से भी एक क्वेश्चन ये है। ओके सो लेट मी टेल यू, वीडियो शूट करने में कोई टाइम नहीं लगता है, आप जस्ट कैमरा ऑन करके रख दो और जो भी आप काम कर रहे हो, अपना पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी कर रहे हो आप करते रहो, उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। और वीडियो शूट करने में ऐसा नहीं होता है कि आप कैमरा लेके बैठे हो फिर उसको शूट करना, नहीं, आप उसको ऑन करके रख दो वो शूट होता रहेगा, या थोड़ा सा उसका एंगल आपको इधर उधर करना पड़ेगा वो तो आप ब्रेक टाइम में कर सकते हो, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। एंड या आई अग्री, वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर। एंड मैं आप लोगों को पहले, बहुत पहले बता चुकी हूँ कि मैं अपनी वीडियोस एडिट नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं अपनी वीडियोस एडिट करती थी बट अब नहीं करती हूँ, मतलब अभी 3 to 4 months से मैं नहीं कर रही हूँ, वो किसी और के थ्रू होता है। वैसे भी मेरे वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिट करने को होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत काम होता है वो किसी और के थ्रू होता है। आई जस्ट डू वॉइस ओवर एंड वॉइस ओवर में मुझे हाफ एन आवर 45 minutes लग जाता है और मैक्स टू मैक्स मुझे आई थिंक 1 आवर लगता है अगर वीडियो थोड़ी लंबी होती है। वैसे मेरी वीडियो तो ज़्यादा लंबी होती नहीं, मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं रखती बिकॉज आप लोग देखते हैं, आप लोगों का भी टाइम उसमें जाता है, सो इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा तो रखती नहीं हूँ। बट कभी कभी ऐसा कुछ टॉपिक होता है तो जिससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, मतलब मैं चाहती नहीं लेकिन थोड़ा सा हो जाता है, बिकॉज अगर मैं उसमें दिखाना भी चाहूँगी तो क्या दिखाऊंगी। जैसे ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं 11th की पूरी एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, सो इसमें ऑब्वियसली हो जाता है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एंड वॉइस ओवर भी मैं करती हूँ तो मैं मोस्टली नाइट को ही करती हूँ, मोस्टली मतलब इसलिए कि अगर मैं होल नाइट स्टडी ब्लॉग शूट कर रही हूँ सो ऑब्वियस है ना, उसमें तो मैं पढ़ाई करूँगी ना, तो उस दिन अगर मुझे वॉइस ओवर करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, नहीं कर पाऊँगी ना, तो वो चीज़ें मैं कभी कभी डे टाइम में करती हूँ। अगर मैं डे टाइम में करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, वो इसलिए लगता है कि मेरे घर के जस्ट बगल में रोड है और वहाँ से इतनी इरीटेटिंग, मतलब इतनी आवाज़ें आती हैं, दैट्स वाई मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मुझे वॉइस ओवर करना है तो मैं उसे नाइट में ही कर लूँ। एंड वॉइस ओवर तो मुझे ही करना पड़ेगा यार, बिकॉज चैनल मेरा है तो मुझे ही करना पड़ेगा, किसी और के थ्रू मैं उसे नहीं करवा सकती हूँ। एंड आई होप आपके अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो अभी ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बट राइट नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड काउंटर करंट मैकेनिज्म वेरिएबल एंड इसके लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज़ फिलो ऐप, सो वहाँ से मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसके पिक्चर क्लिक करना है एंड देन इसे क्रॉप करना है एंड देन विद इन अ मिनट कोई ना कोई ट्यूटर तो मुझसे कनेक्ट हो ही जाएंगे और उसके बाद मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी लाइक दिस। हाँ गोलगप्पे खाते हो, मैंने आपने पानी घर मिला, छोटे भाई ने क्या किया बेटा, उसने पानी और मिला दिया है ना, आप बोले यार ये यार इसमें आप नमक और मिर्ची कम हो गई, तो फिर नमक मिर्ची आपने मिला, फिर से उतने जो है तो कंसंट्रेटेड हो गया।
सो यू हैव सीन हाउ ही वॉज एक्सप्लेनिंग बाई गिविंग एग्जाम्पल्स. ऐसे ही यहाँ के सारे टीचर्स हैं, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने का ट्राई करते हैं. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट डाउनलोड द फिलो ऐप एंड यूज़ इट. सो चैप्टर कम्प्लीट करने के बाद मुझे हाइड्रेट होने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ती हूँ और चिल्ला चिल्ला के पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. एंड कल और आज दोनों मिला के आई थिंक मैंने 10 से 12 लीटर पानी पी होंगे, या फिर उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने काउंट तो करा नहीं. हाँ आई थिंक 15 लीटर तो हो ही गए होंगे, बिकॉज बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है यार चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से. एंड वन मोर थिंग गाइज, 21st of May से, मतलब जब ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद से आपको रेगुलर एक एक वीडियोस मिलेंगी, मतलब हर एक रोज़ आपको एक एक वीडियोस मिलेंगी 10 to 15 days तक, मतलब आई थिंक 31st of May तक. बिकॉज मैंने 10 to 12 वीडियोस शूट कर ली हैं, सो मैं सोच रही हूँ उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ, बिकॉज नेक्स्ट मंथ से मेरा डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रहेगा, तो हो सकेगा कि मैं उस मंथ में ज़्यादा वीडियोस अपलोड ना करूं, लाइक वन वीक में एक या दो ऐसे ही हो पाए, या फिर वो भी ना हो पाए तो नहीं कर पाऊं, बिकॉज मेरे को वॉइस ओवर करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है. सो इसलिए मैं सोच डिसाइड करा कि मैं एक एक डेली 10 to 15 days तक, 15 days तक तो नहीं, 10 to 12 days तक मैं एक एक वीडियो डेली अपलोड कर दूँगी.